मामले में वाराणसी की अदालत से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मस्जिद परिसर में खुदाई और अतिरिक्त एएसआई सर्वे की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने क्या कहा है और हिंदू पक्ष अब क्या करेगा आगे, इस रिपोर्ट में देखिए। जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। परिसर में न सर्वे न खुदाई, ज्ञानवापी पर कोर्ट की कड़ाई। वाराणसी कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष को दिया झटका। 33 साल पुराने ज्ञानवापी मामले में आज हिंदू पक्ष को उस वक्त झटका लगा जब वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की अपील की गई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में न तो सर्वे होगा और न ही खुदाई होगी। एएसआई सर्वे होने के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर कोर्ट ने सवाल किया था। हिंदू पक्ष ने याचिका में दावा किया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से सर्वे किया जाना चाहिए। इसके अलावा वजूखाने और बचे हुए तहखानों के सर्वे की मांग भी की गई थी जबकि मुस्लिम पक्ष ने इन मांगों का विरोध किया था। माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली जिसके बाद शुक्रवार को इस पर फैसला आ गया, लेकिन हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में स्वयंभू शिव का ज्योतिर्लिंग है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में कोई मंदिर नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ हमेशा से मस्जिद ही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में खुदाई होनी चाहिए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में सर्वे के पीछे नियत ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष के पास कोई दस्तावेज नहीं है जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि व्यास परिवार ने स्वेच्छा से जमीन दी थी। ज्ञानवापी को लेकर किस पक्ष का दावा कितना सही और कितना गलत है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वाराणसी कोर्ट ने जांच पर फुल स्टॉप लगाने का आदेश दिया है और अब हिंदू पक्ष ने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।